हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दो ऐसी चीज़ें जो आपने पहले शायद ही कभी देखी होंगी, जिसमें एक है हमारा ऑक्सीलेटर और दूसरा है VHF जनरेटर, मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। वैसे तो आपने ऑक्सीलेटर और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी दोनों देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊँगा वो आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत पहले यूज़ होते थे, जिसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। आजकल के तो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे से बॉक्स में आ जाते हैं, लेकिन ये अकेला इतना कि आजकल के आप 4-5 मिला दोगे तब जाकर एक कि सिर्फ आपका ऑक्सीलेटर बनेगा, जिसमें CRO होता है और जिससे हम जो है फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर तो आजकल भी बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं और उसमें ऑक्सीलेटर और VHF जनरेटर एक जगह होता है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीलेटर अलग है और हमारा VHF जनरेटर अलग है, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा है। अब आप ऑक्सीलेटर को ही देखो तो ये देखिए ये साइज़ में कितना ज़्यादा बड़ा, पूरा एक टेलीविज़न की तरह है। और मैं आपको बता दूँ इसका यूज़ क्या होता है। इसका जो यूज़ होता है, हम जो हमारा ये VHF जनरेटर है, इससे हम जनरेट करते हैं अलग अलग टाइप की फ्रिक्वेंसी पल्सेस, और उन पल्सेस को हम इसमें इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद वो उस फ्रिक्वेंसी को हमें इस ग्राफ के थ्रू दिखाता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितने हर्ट्ज की है, कितनी जो है उसमें स्वीप बिट्स है और कितनी जंप कर रही है, वो सब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हालांकि ये अभी ऑन कंडीशन में नहीं है, ना ही ये ऑन कंडीशन में है जो हमारा ऑक्सीलेटर है, और ना ही हमारा ये VHF का जो जनरेटर है, ये दोनों अभी ऑन कंडीशन में नहीं है। इन्हें ऑन कंडीशन में लाने के लिए इन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी, जब मैं इन दोनों को रिस्टोर करूँगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक ये पावर स्विच होता है, और इसके बाद ही इंटेंसिटी के लिए एक ये वॉल्यूम होता है, जिससे हम जो पल्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं। और दूसरा एक्स गेन होता है, जिसमें हम एक्स की जो वैल्यू, हॉरिजॉन्टली जो वैल्यू होती है उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको कम या ज़्यादा करके सेट करते हैं कि हमें पल्सेस कितनी मतलब चमक में हमें देखनी है, क्योंकि और यह दूसरी जो है ये वॉल्यूम होता है हमारा, हमारे ग्राफ को हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के लिए इस टाइप से, और उसके बाद ये होता है हमारा वर्टिकली प्लेस करने के लिए। और इसमें एक और है वी गेन का, ये किस चीज़ का ये अभी मुझे नहीं पता, इसको रिस्टोर करने के टाइम पर पता चलेगा। और इसमें एक ये स्विच होता है, कुछ चैनल टाइप है ये, अब ये क्या है ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ से इनपुट होती है इसमें, जो पल्सेस हैं यहाँ से इनपुट की दी जाती है इसमें। और ये पूरी इसकी स्क्रीन है, यहाँ में जो है इस तरह से साइकिल शो होती है अलग अलग वेव में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये मतलब जो वेव होती है उनके बारे में काम करने के, उनको पता लगाने के काम में आती है। और एक साइज़ में देखिए यहाँ कितनी बड़ी है साइज़ में ये। और इसके अगर हम बैक हिस्से की बात करें, और अगर हम ऑक्सीलेटर के बैक साइड की बात करें, तो इसमें यहाँ पर भी काफ़ी ये गेन के लिए कोई वॉल्यूम है, और ये भी दो पॉइंट इनपुट के लिए दिए गए हैं। ये हमारा AC वायर है, ये फ्यूज़ है, और यहाँ पर कुछ पल्स मेकर बनाया गया है, यानी लिखा पल्स मेकर, ये पल्स बनाता है। और ये हमारा ये स्विच है, ये किस चीज़ का स्विच है ये भी अभी बंद है, इसको भी वो ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक वॉल्यूम टाइप है ये, और ये भी एक वॉल्यूम है, और यहाँ से भी इनपुट की दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इसको रिस्टोर करने के बाद ही इसको ऑन करेंगे, तब पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरह से ये काम करता है। हालांकि इतना तो, और आइए अब हम चलते हैं VHF जनरेटर की तरफ। इसमें भी कुछ पल्सेस जनरेट करने के अलग अलग टाइप के जो हैं वॉल्यूम दिए गए हैं, जैसे कि ये सेंटर फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को सेंटर करने के लिए, मतलब जो हमारी जो वेव की जो लाइन होती है, जैसे मतलब कोई साइन वेव है उसके टाइम वाली जो लाइन है उसको सेंटर में लाने के लिए ग्राफ के अकॉर्डिंग स्वीप बिट्स है। ये दो पल्सों के बीच जो इस टाइप की दो पल्सें होती हैं, दो पल्सें जो होती हैं उनके बीच की जो विड्थ है वो डिफाइन करता है कि कितनी हमें बड़ी विड्थ लेनी है, कितनी छोटी विड्थ लेनी है। फिर आता है कर्सर मोड, इसका मुझे अभी नॉलेज नहीं है, इसको जब इसको रिस्टोर करेंगे तभी बताऊँगा मैं इसके बारे में क्या। ये पावर की
एलईडी है, ये स्विच है पावर का, ये आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को कुछ लेवल करने का वॉल्यूम है, ये यहाँ पर एक मीटर दिया है गया है जिसकी वो रीडिंग है वो डीबी में आती है, डेसिबल में डीबी में आती है। और ये यहाँ पर एक और वॉल्यूम है ये, जिसमें एक ऑटो का ऑप्शन है, रिमोट और एक मैनुअल है, और दूसरा है ये चैनल का। और यहाँ पर इसमें कुछ डिस्प्ले टाइप है, शायद इसमें कुछ आता होगा। और ये दो और पता नहीं किस चीज़ के वॉल्यूम है ये। और यहाँ से इसमें इनपुट के लिए एक और ऑप्शन, इसमें भी एक इनपुट के लिए ऑप्शन है। और इसका जो नाम है, ये को मॉडल है, ये 353A है, U83 यूरोप की का बना हुआ है ये। चलिए इसकी बैक साइड से देखते हैं कि बैक साइड में इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर बैक साइड से बात करें तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें यहाँ मेकर साइज है, एस मेकर, पी मेकर, और पोलैरिटी पुश दो ऑप्शन हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, एच स्कोप, बी स्कोप, फ्रोम, तीन पॉइंट ये हो गए, आईएफ इन, एक आईएफ इन के लिए ये है, ये आपकी प्रोब है, एसी, ये फ्यूज़ है एसी का। और यहाँ से कुछ इसमें इस टाइप का ये होल्डर है, जैसा हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह में होता है प्रोजेक्टर वगैरह लगाने के लिए। एक स्विच है ये जो कि जाम है इस टाइम पर, वो नहीं हो पा रहा है। ये मेन लीड है पावर सप्लाई की, इंडिकेटर, रिमोट। दोस्तों बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि अब क्या है ना, ये दोनों मशीनें जो है, एक तो ऑक्सीलेटर होते हैं ये, और दूसरी है जनरेटर जो पल्स जनरेट करता है, ये अब एक जगह आती हैं, काफ़ी टाइम से एक जगह आती हैं, कंबाइन होकर कर दिया है, यहाँ से 1/4 हिस्सा बना दिया इसका। और बाकी सारे अरेंजमेंट में हमने ये VHF जो फ्रिक्वेंसी है, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इस टाइप का सर्किट मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन जो पहले थी, अब आप खुद सोचिए कि ये पहले कितना बड़ा अरेंजमेंट था उसी काम को करने के लिए, और आज की डेट में कितना छोटा आता है। वो इसको भी देखिए, ये भी कितना मतलब जो है काफ़ी हैवी है, काफ़ी वेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों जो इसकी रिस्टोरेशन की वीडियो है वो मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा, क्योंकि पहले इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, इसको वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। कैसे रिस्टोर करूँगा, किस तरह, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं, और आज के डेट में क्या पार्ट्स होते हैं, और जो पहले जो बहुत पुरानी मशीन है इसमें क्या पार्ट्स थे, किस तरह से मतलब सर्किट बनाए हुए थे इसके अंदर, वो सारा मैं आपको डीपली समझाऊंगा जब इसको रिस्टोरेशन की मैं वीडियो डालूंगा, तब उसमें आप देख सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादातर शेयर करें ताकि ऐसी ही एंटिक नॉलेज, ये काफ़ी एंटिक मशीन है, काफ़ी पुराने टाइम की मशीन है, नॉलेज किसी और तक ही पहुँच जाए। मिलते हैं इसकी रिस्टोर वाली वीडियो में, CRO की और VHF जनरेटर की।